पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया और सभी मंत्रियों ने अपने मंत्रालय और विभाग की जिम्मेदारी संभाली। अब सबकी नजरें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर भी टिकी हुई थी। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। देश में 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का मौका मिला। यह पद पिछले 10 सालों से खाली था। लोकसभा में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। मीडिया को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सांसद दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा और उन्हें सूचित किया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की संख्या 10% से कम होने के कारण ये पद खाली था। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद जीत कर आए, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण होता है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष की कई महत्वपूर्ण शक्तियां और भूमिकाएं होती हैं। भारतीय लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए विपक्ष के नेता का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विपक्ष के नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और CBI जैसे प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक सरकार की नीतियों पर प्रभावी सवाल उठाना है। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उसे सरकार की विधिक और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों के विकल्प प्रस्तुत करने होते हैं। विपक्ष का नेता शेडो प्रधानमंत्री होता है, उसके पास एक शेडो मंत्रिमंडल होता है जो चुनाव में अपनी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने या वर्तमान सरकार के त्याग पत्र देने या पराजित होने की स्थिति में सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया कि इसलिए विपक्ष के नेता को अपने शब्दों और कार्यों को सावधानीपूर्वक मापना चाहिए, साथ ही राष्ट्रहित के मामले में उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए जितनी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट वेतन और अन्य सुविधाएं भत्ते प्राप्त करने के अलावा एक सांसद के रूप में राहुल गांधी उसी स्थिति से वर्तमान में सचिव की सहायिका के हकदार होंगे। एक कैबिनेट मंत्री की तरह निजी स्टाफ भी उनके पास होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।